सो आज जा रहे हैं मैं और मेरे मम्मी और मेरा भाई सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में है और मैंने कभी भी वहाँ पे विज़िट नहीं किया है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो के लिए ही वहाँ जा रही हूँ। और मैंने सुना है कि बहुत इंफॉर्मेटिव भी है वो जगह, बहुत नॉलेज गेन होता है। सो आई थॉट कि वाई नॉट जस्ट विजिट दैट प्लेस। हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच कर मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ क्या है क्या नहीं है। सो बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय सिस्टर्स व्लॉग। तो जितने भी दो चार लोग देख रहे हैं, हेलो। तो वी आर गोइंग टू माय फेवरेट प्लेस, दैट इज टॉयलेट म्यूजियम। आई हाँ, लव क्योंकि तो टॉयलेट्स, वहीं पड़ा रहता है आई वैसे लव भी। इट। एवरीवन लव्स इट, कोई एडमिट नहीं करता, बट एवरीवन लव्स सही इट। बात है, सारे लाइफ के डिसीजन तो वहीं बनते हैं। गेट नंबर 3 से एंट्री। नंबर 3 से एंट्री हुई है और यहाँ तो बड़ा है बट कहाँ कहाँ बोला है जाने के लिए? आगे से भाई तो अदाओं में के वो म्यूजिक हाय गाइस, तो ना आपको गार्ड बता देंगे किस तरफ कैसे जाना है गाइड करने के लिए। वहाँ पर काफ़ी लोग होंगे तो सबसे पहले ये एरिया आता है जिसमें आपको ना टॉयलेट्स दिखाए गए हैं मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग। मतलब सबसे पहले कैसे टॉयलेट्स आए थे, कैसे लोग यूज़ करते थे, क्योंकि अब तो काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। अब तो हम वेस्टर्न स्टाइल वगैरह यूज़ करते हैं बट उस टाइम पर क्या किया जाता था, गेट तक नहीं होते थे, तो वही सब इस एरिया में दिखाया गया है। पूरे व्लॉग को देखना। आगे ना मैंने गाइड से भी बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे हैं और वो बहुत नॉलेज वाली बातें बताएंगे, तो देखते रहना। जब अक्षय कुमार की मूवी बनी थी पैडमैन और टॉयलेट, तो अक्षय कुमार भी यहाँ पर आए थे। पुराने जमाने के टॉयलेट्स यहाँ पे दिखाओ। अचीवमेंट्स डिस्ट्रिक्ट 15 पब्लिक 12। जान चुके राज्य को पार्टी करते थोड़ी थोड़ी। ये देखो कैसे हम फैमिली लोग कहाँ जाते हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई स्पेन, कोई आउट ऑफ कहीं इंडिया, कहीं भी हम कहाँ जा रहे हैं, टॉयलेट में जाओ। बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अभी भी काफी जगह है जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। तो आई थिंक ये मेरे घर आ जाते, दो कमरे हैं, दो फ्लोर, चार फ्लोर है, चारों में अलग अलग लग रहा है। मॉडल 4-5 क्यों लिखा होगा? ये टाइम के साथ जैसे जैसे। अच्छा, ये मॉडल 5 है। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये जैसे इनमें इसमें बैठ के फिर यहाँ पे वो, क्योंकि पुराने जमाने में वैसा कुछ होता नहीं था ना। मॉडल 6 है तो पढ़ने की मत सोचो। झारखंड। हेलो गाइज, जो आपको ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है और जो ये बॉल्स दिख रही है, पूरा का पूरा जो है ह्यूमन वेस्ट से बनाया गया है। सो यहाँ पर काफी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये सीढ़ी से जाके रोका।
ये शायद वही पुराने जमाने में जैसे किया ये जैसे पहले मिनिएचर होते ना लिलीपुट वगैरह उनका है। कभी अंदर कोई कीड़ा वीड़ा आ गया धाक के नीचे नहीं गिर जाए, यहाँ पे करते थे फिर यहाँ पे जमा होता था। ओए दो दो है यहाँ पे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने 1992 में म्यूजियम एस्टेब्लिश किया यहाँ। बेसिकली सुलभ रिलेटेड बिट वाले सो दिस इज द म्यूजियम। ये देख रही थी ना? हाँ जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक टॉयलेट सीट है। ये फ्रांस के एक राजा थे लुई 14। तो लुई 14 को क्या था? कॉन्स्टिपेशन था। इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते। अच्छा। तो वो क्या करते, एक एक दो दो घंटे टॉयलेट में ही बिजी रहते। अच्छा। इस कारण वो सभा में न्याय नहीं कर पाते। अगर एक राजा ऑफिस को अटेंड नहीं करेगा तो ऑफिस खराब हो जाएगी। तब टाइम मैनेज के लिए अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बना। तो इसी पे बैठ के वो सभा में न्याय भी करते, कुछ बातें भी करते, फैसला भी सुनाते, फिर जब प्रेशर आ गए तो इस तरह उठाए और इसी पे यूज भी करते। तो न्याय भी किया, यूज भी किया। तो बीमारी तो बीमारी है, किसी को आ सकता है। उनके पर्पस टेबल ये देखा आपने? हाँ जी। टेबल है ये, नॉर्मल लग रही है। नॉर्मल टेबल है। जब ब्रिटिश फैमिली क्या करते थे, पिकनिक के लिए या हंटिंग के लिए जाते जंगल में, तो ऐसे टेबल को साथ ले जाया करते, उनके स्टाफ ले जाया करते। अब एक टेबल है तो वो क्या किया, इसमें बैठ के वो खाना खा लिया। ठीक है, ऐसे बैठ गया, खाना खा लिया, फिर बुक पढ़ा, फिर प्लेइंग कार्ड खेला, फिर जब टॉयलेट आ जाते प्रेशर आता तो वो ऐसे बॉडी से तो यूज भी करते। Nice. तो खाओ भी जाओ भी। एक शीट है शीट, बट अपने इंडियन कल्चर में ऐसा करेंगे नहीं, नहीं, नहीं। जहाँ खाएंगे वहाँ यूज नहीं करेंगे, नहीं तो घर से अंत निकाल देंगे। ये हमारी भारतीय सभ्यता है। ये एक भी टॉयलेट सीट है, बुक के फॉर्म में बना टॉयलेट सीट है। अब देख रहे बुक टाइप में लग रहा है। अपने इंडिया में अगर हमारा पैर बुक में टच हो जाती है तो हम क्या करते हैं? पैर से माफी मांग लेते कि है भगवान सरस्वती माँ। लेकिन फ्रेंच लोगों ने ब्रिटिशर्स को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को दिया। मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर। तो फ्रांस के लोगों ने शेक्सपियर, ब्रिटिश और उसके इंग्लिश लिटरेचर को इंसल्ट करने के लिए उसका बुक का रेप्लिका लिया, मिडिल में टॉप पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाए और इसी किताब पे बैठ के वो लैटिन पढ़ते। तो इंसल्ट करने का नया तरीका। अपने इंडियन कल्चर में हमने क्या किया, माफी मांगा, लेकिन आउट ऑफ इंडिया ऐसा किया करते। ये सारे 18-19 सेंचुरी के पॉट्स हैं। ये सारे रॉयल फैमिलीज क्या करते हैं, ऐसे पॉट्स को गोल्ड, डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बना के यूज करते थे। बड़े लोगों की बड़ी बात है। ये ज्यादा शोकेस के लिए था कि यार मेरे घर में सोने का टॉयलेट है, हीरे का टॉयलेट। अब वो मालिक है तो कभी यूज भी किया। फिर जो स्टाफ था वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रखता। अच्छा। तो ये फ्लावर पॉट्स भी था, फिर टॉयलेट सीट भी था, जो आप डिफरेंट डिजाइन में पिक्चर। अच्छा, ये सारी टॉयलेट प्लीज कम दिस सर। अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप लोग? ये सारे आपका ह्यूमर सेक्शन है। ये बिग लेसन है हमारे लिए। बिग लेसन कैसे है? हाथी बोलता है कि आई हैव डेफिकेटिंग इन ओपन बट वेयर आर द फैसिलिटी। अब हाथी इतना बड़ा है, उसके लिए इतना बड़ा टॉयलेट कहाँ से बनेगा? जो थाईलैंड वालों ने क्या करा, हमें बिग लेसन दिया। पहले क्या था, वो ओपन में यूज करते हैं, इनके वेस्टेज को कलेक्ट करने में, क्लीन करने में परेशानी होती थी। तब इन लोगों ने इनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और आज के डेट में हाथी इतने वेल ट्रेन है कि इसी टॉयलेट सीट पे वो टॉयलेट करते हैं, बाहर नहीं जाते। और हम तो इंसान है, आज भी खुले में यूज करते हैं। तो ये बिग लेसन है हमारा। अब देख रहे हैं टॉयलेट सीट है, ये सोफा कम टॉयलेट है। आप बैठे सोफा हो गया, लेदर चेयर हो गया, आराम से बैठ गया। लेकिन ये सबसे ज्यादा ब्रिटिश कैसिनो में यूज हुआ।
कैसीनो। कैसीनो में क्या था, वो इसी में बैठ के गेम खेला, जैसे आपने बैठ के खेला, अभी पता नहीं चला कि टॉयलेट सीट है, तो वो इसी तरह बैठ के गेम खेला। गेम जब काफी इम्पोर्टेंट हो जाते उस समय टॉयलेट आता, तो वो गेम छोड़ कर नहीं जाते, अब टॉयलेट सीट हो गई। वो इस तरह उठाया और इसी पर बैठ के वो लैट्रिन भी करते फिर गेम भी खेलते, ताकि चीटिंग ना हो जाए, माइंड डिस्टर्ब ना, इसके लिए वो ऐसा किया करते। काफी खुले विचार के थे, कहीं भी कर ये भी टॉयलेट सीट है लेकिन अभी यूज नहीं हुआ। अच्छा, आपकी कौन है, मम्मी है? हाँ। अच्छा, तब तो आपसे बाद में कुछ डिस्कस कर लेंगे, पूछेंगे। अभी देख रहे हैं मॉडर्न टाइम है ना, कपल्स टाइम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो कपल्स टाइम में कपल्स को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो ये कपल्स टाइम है। इसलिए आपसे पूछा ये ये भी कपल्स कॉलेज, यहाँ भी टाइम चाहिए सब, नहीं इतना मॉडर्न नहीं होना। ये मॉडर्न टिश्यू पेपर है, अच्छा एक कटर है कट जा, लेकिन ये भी टॉयलेट सीट है, सब टिश्यू पेपर। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारे फूडिंग आइटम्स है वो टॉयलेट बॉल में सर्व करते हैं, ये मैंने ये चाइना में, और सारे खाने के आइटम्स है वो लैट्रिन की तरह आता है। मैं कभी ना कोई कॉस्टली टॉयलेट है, स्पेस टॉयलेट जो स्पेस में यूज होता है, कॉस्ट है $19 million। सोचिए कितना कॉस्टली, यूज क्या है स्पेस में, जो रिसर्च के लिए लोग जाते हैं वो पानी कहाँ से पियेंगे, कैसे पियेंगे, तो इसमें जो भी यूरिन यूज करते हैं इसी यूरिन को प्यूरिफाई करते हैं और ड्रिंक के लिए, और यही प्यूरिफाई यूरिन वो लोग पीते हैं जो रिसर्च के लिए। अब जरा सोचो आपके सिर्फ यूरिनल का कॉस्ट इतना है, तो पूरे स्पेसशिप का कॉस्ट क्या है, कितना, और एक स्पेसशिप क्रैश हो जाती है तो कंट्री को कितना लॉस होता होगा। ये भी टॉयलेट सीट है, ऐसे सीट में क्या है 10 to 15 minutes का टाइम होता है, अगर आप 15 मिनट में फ्रेश होकर नहीं निकलेंगे तो गेट जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये तो बेइज्जती हो जाएगी होगा। ये सारे आपके मॉडर्न सीट है जो रिसेंट में सभी जगह यूज हो रहे हैं। एक कैंपिंग टॉयलेट है जो कैंपिंग में जाते हैं वो लोग यूज करते हैं, ये आर्मी लोग ज्यादा यूज करते हैं। हम तो ऐसे देख के जा रहे थे, पता है मैंने सब देखा ही, हमें लगा सोफा ओफा ही लगा। ये सब भी डेकोरेशन है टॉयलेट के, ये सब टॉयलेट सीट है, इसको मैनुअल स्केवेंजिंग का पीरियड था जो महिला धोने की प्रथा थी। अच्छा, उसमें ऐसे पॉट्स में लैट्रिन रखा, सर पे रख के गंदे जगह पे डिस्पोज करते। ओके ओके, तो उसके पीरियड में ऐसा इंफॉर्मेशन। यहाँ पे शायद अक्षय कुमार भी आए थे ना, टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी, हाँ यही से लेकर गए। अच्छा, हम मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए उठते हैं तो हमारा पहला काम यही होता है, लेकिन अगर हम मेरा पेट खराब है तो हम आपको नहीं बोलेंगे, तो टॉयलेट को आज भी हम गंदा मानते हैं। पहले क्या था, बेस्ट इज बेस्ट, बट नाउ इट इज बेस्ट इज नॉट बेस्ट, अब उसी हम गंदे चीज से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मैम आपको दिख रहा होगा सामने काला दीवार, वो हमारे लैट्रिन से बना दीवार है, लेकिन हम अपने इंडियन कल्चर में अगर लैट्रिन से दीवार बनाएंगे तो सोसाइटी से निकाल देंगे या बोलेगा पागल हो गया, लेकिन वो पत्थर रखे थे वो भी उसी से बने, वो सब लैट्रिन का। नाउ इट इज बेस्ट इज नॉट बेस्ट, अब देखिए लैट्रिन से रिसाइकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये किसने बनाई, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, फॉरनर्स आए थे, 22 पीस बनाया, 21 अपने कंट्री ले गए, एक म्यूजियम को डोनेट किया। वो एक थेरेपी है, नाम है शूज ऑफ थेरेपी, वो आप उसका ले लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब शूज ऑफ थेरेपी। शूज ऑफ थेरेपी है जैसे कहीं आप मीटिंग में हो, पार्टी फंक्शन में हो, या ट्रेवलिंग में हो, उस समय प्रेशर आ गई तब क्या करेंगे, मीटिंग इम्पोर्टेंट है छोड़कर जा नहीं सकते और प्रेशर कंट्रोल कर नहीं सकते, तो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ में पेन और पेंसिल के नोब से एंटी क्लॉक वाइज डायग्राम स्क्वायर में घड़ी का उल्टा 3 से 4 बार स्क्वायर में करेंगे,
तो हमारा जो प्रेशर है वो करीब आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। काम की चीज है पहले, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ घड़ी का उल्टा ही करें। अच्छा, उल्टा करना है घड़ी के टाइम में करेंगे जो थोड़ा है तो पूरा हो जाएगा। ये हमारा टॉयलेट म्यूजियम, फिर आप देखो इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो। ये सब मॉडर्न है, रिसेंट। हाँ, ये तो रिसेंट। इसमें क्या है, वॉश मशीन में जो पानी आप यूज करते हैं आगे होने के लिए, इसी वेस्ट वाटर से वो फ्लस हो जाए। अच्छा, वाटर से भी कंट्रोल वाले यूज करते हैं सारे। हाँ, स्टॉप इसमें मसाज है, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक करते हैं। इसमें गाना चलेगा, मतलब आप इसमें जो भी लैट्रिन टॉयलेट यूज करते हैं, यूज करने के बाद पुश बटन पुश करेंगे तो इसमें सारा लैट्रिन और टिश्यू पेपर बर्न हो जाते हैं। अच्छा, सिप में फ्लश नहीं करते। अच्छा, तो ये हमारा बर्निंग टॉयलेट। ये फोटो कॉपी मशीन, फोटो कॉपी मशीन है, प्रिंटर टॉयलेट है, पिकनिक टॉयलेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, दोनों मतलब वो भी करेंगे और ये भी। वो तो है, पोटा पोटी है, कैरी पोट है। पिकनिक के लिए जाते हैं, ऐसे बॉक्स को ले जाते हैं, पिकनिक खत्म हो जाते हैं, फिर क्लीन करके घर। नाइस। और इन सब के फाउंडर है वो डॉक्टर इंद्रेश्वर पाठक, ये शुगर के फाउंडर। पहले भी रास्ते में करते थे वाटर सप्लाई इन यूरोप। दिस इज वेरी ओल्ड। तो हग लेते थे और फिर वहीं बैठ जाते थे। मम्मी एक घर पे ऐसा बनवा दो यार, मजा ही आ जाएगा। जी, वैसी सुअर है और सुअर जैसी हरकतें करेगा। और ये इट्स बेटर टू बी पिस्ड ऑफ देन बी पिस्ड ऑन, इट्स रियली नाइस। We have brought you to Madhusudan Ghati, a small village in West Bengal. You can see for yourself how poor villagers are. Okay, machines. ये electronic medium है जो आपको बटन दबाने से बनेगी, या फाइल हाथ से बना सकते हैं। हाँ, अक्षय कुमार ने अपनी मूवी में यही मशीन यूज किया। और यहाँ आइटम है, इसमें भोजन करके डालना पड़ता है। यहाँ से शुरू होती है, ऐसे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से शुरू है। फिर इसमें ये क्या है, ये इसका मशीन चलाने के लिए प्रेशर। फिर यहाँ ये है हाथ से, अगर नहीं है ना लोगों ने पहले से बना रखा है। अच्छा, इसका यूज हो गया, फिर इसको लपेट के इसको काट लिया। ये चीज यहाँ पर डालना है। अच्छा, जिनको जरूरत है क्वाइन डालते हैं, अपन ले जाते हैं। अच्छा, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन होगा। 2 रुपए है। अच्छा, हाँ वो 2 रुपए में भी मूवी में टैक्स बेचता था, क्योंकि इसकी ऑनेस्ट कॉस्ट इतनी होती है और हम कितनी पे करते हैं। नाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। और अभी मम्मी ने बनाया उत्तपम और एकदम हेल्दी वर्जन में बनाया है, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। सो या बाय।